हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिसमें हम बात करेंगे जिला पंचायत, उनकी संरचना, बैठक, कार्य आदि की। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे जिला पंचायत, जिला पंचायत का गठन, जिला पंचायत की संरचना, जिला पंचायत का कार्यकाल, जिला पंचायत के पद, जिला पंचायत की बैठकें, जिला पंचायत की स्थायी समितियां। इसके बाद हम बात करेंगे पंचायत पदाधिकारी का निलंबन, पदाधिकारियों का त्यागपत्र एवं जिला पंचायत की आय के स्रोतों की। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं जिला पंचायत से। दोस्तों, पंचायत अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार प्रदेश के हर जिले में जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो यहाँ पर जिला पंचायतों की संख्या भी 52 है। जिला पंचायत अपने अधीन कार्य करने वाली पंचायती संस्थाओं तथा राज्य सरकार के मध्य कड़ी का काम करती है। दोस्तों, कहने का मतलब है जिला पंचायत जिला स्तर पर होती है, इसके मध्य जनपद पंचायत एवं निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। यहाँ पर बात करी गई है जिला पंचायत अपने अधीन कार्य करने वाली पंचायती संस्थाओं अर्थात जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के मध्य कड़ी का काम करती है। अब हम बात करते हैं जिला पंचायत के गठन की। दोस्तों, जिले को अधिकतम 35 व कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, अर्थात 10 से लेकर 35 तक निर्वाचन क्षेत्र एक जिला पंचायत में हो सकते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 50,000 होनी चाहिए। यदि 50,000 से कम जनसंख्या होती है तो वहां पर हम जिला पंचायत के एक निर्वाचन क्षेत्र को घोषित नहीं कर सकते। जिन जिलों की जनसंख्या 5 लाख से कम है उन्हें 10 बराबर निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। जिला पंचायत का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जिला सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल और नरसिंहपुर जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में हम देखते हैं जिला पंचायत की संरचना। तो दोस्तों, पंचायत अधिनियम की धारा 29(1) के अनुसार निम्नलिखित लोग जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे, जिनमें शामिल हैं निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, जिनको आम जनता हम और आप जैसे लोग वोट डालते हैं, जिले के लोकसभा सदस्य अर्थात सांसद, जिनको हम एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, राज्यसभा के ऐसे सभी सदस्य जिनका नाम जिले के किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची से आया हो, इसके अलावा जिले के सभी विधानसभा सदस्य अर्थात विधायक, जिनको हम एमएलए भी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिले की सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष भी जिला पंचायत की संरचना में शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं नोट की। दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में नहीं आता, वे जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं जिला पंचायत के कार्यकाल की। दोस्तों, जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिला पंचायत के सामान्य चुनाव के पश्चात किन्हीं कारणों से रिक्त हुए पदों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति 6 माह की अवधि में कराया जाता है। जिला पंचायत के समय 4.5 वर्ष के समाप्त होने पर जिला पंचायत में रिक्त हुए स्थान के लिए उपचुनाव नहीं कराया जाता। दोस्तों, यदि जिला पंचायत के गठन को 4.5 वर्ष हो चुके हैं एवं 4.5 वर्षों के बाद कोई पद यदि रिक्त होता है, तो 4.5 वर्ष के बाद रिक्त हुए पद के लिए
उपचुनाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं जिला पंचायत की पदों की। तो दोस्तों, इन पदों को दो भागों में बांटा गया है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं शासकीय पदाधिकारी। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं स्थायी समितियों के सभापति शामिल होते हैं। शासकीय पदाधिकारियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम सीईओ भी कहते हैं, जनपद पंचायत शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं जिला पंचायत की बैठकों की। तो दोस्तों, जिला पंचायत की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार बुलानी आवश्यक होती है। प्रश्न आ सकता है, जिला पंचायत की बैठक को कम से कम कितने माह में एक बार बुलाना आवश्यक है? उसका आंसर होगा दोस्तों, 3 माह में एक बार बैठक बुलाना आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना दी जाती है। यह बैठक जिला मुख्यालय में या जिले में कहीं भी की जा सकती है। बैठक में कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से उसका कोरम पूरा होने का प्रावधान है। दोस्तों, कोरम, इसको हम गणपूर्ति भी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी बैठक में कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, यदि उन न्यूनतम सदस्यों से कम संख्या होती है उपस्थिति की, तो बैठक की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। तो दोस्तों, जिला पंचायत की बैठक में वह संख्या कुल सदस्यों की एक तिहाई है। साधारण बैठक की सूचना 7 दिन और आपातकालीन स्थिति में 3 दिन पूर्व दी जाती है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा एवं उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी, या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उक्त दिन की बैठक के लिए सभापति का चयन किया जाएगा। दोस्तों, लेकिन इस प्रकार से चुना हुआ सभापति केवल उस विशेष दिन ही सभापति बनकर रहेगा जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं। अब हम बात करते हैं जिला पंचायत की स्थायी समितियों की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा 47 में यह स्पष्ट किया गया है कि हर स्तर की पंचायतें अपने कामकाज के प्रभावी संचालन के लिए स्थायी समितियों का गठन कर सकती हैं। दोस्तों, इन समितियों में शामिल है सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, सहकारिता एवं उद्योग, संचार एवं संकर्म समिति, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति, वन समिति आदि। अब हम चर्चा कर लेते हैं विशेष तथ्यों की। तो दोस्तों, जिला पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होते हैं। जिला पंचायत की उपाध्यक्ष पदेन शिक्षा समिति के सभापति होंगे। सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर हर समिति अपने चुने गए सदस्यों में से समिति सभापति का चुनाव तय किए गए नियमों के अनुसार करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सामान्य प्रशासन समिति एवं शिक्षा समिति के जो सभापति होते हैं, उनके पद फिक्स होते हैं, जो कि क्रमशः जिला पंचायत का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है। इसके अलावा बाकी सभी समितियों के सभापति का चुनाव सदस्य तय नियमों के अनुसार खुद से करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की। जिला पंचायत की स्थायी समितियों की मासिक बैठक महीने में एक बार बुलाना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन। तो दोस्तों, जनपद और जिला पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य पंच अगर देश के विभिन्न कानूनों के उल्लंघन का दोषी है, तब ऐसे में इन प्रतिनिधियों का निलंबन किया जा सकता है। ऐसी दशा में विहित अधिकारी कलेक्टर उस पदाधिकारी को उसके पद से निलंबित कर देंगे। विहित अधिकारी, जो कि कलेक्टर होगा, इस निलंबन की रिपोर्ट को 10 दिन के भीतर संभागीय कमिश्नर को भेजेगा। कमिश्नर को इस निलंबन की पुष्टि 90 दिन के भीतर करनी होगी, नहीं तो यह निलंबन अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा। जिन अपराधों के कारण पदाधिकारी को निलंबित किया जा सकता है, उनमें प्रमुख है भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आरोप, खाने के सामान व दवाओं में मिलावट के आरोप,
महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में अनैतिक व्यवहार, किसी भी ऐसे कानून जिसमें दंड की व्यवस्था हो, उसके तहत मुकदमा चलने की स्थिति में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिला पंचायत प्रतिनिधियों के त्यागपत्र की। तो जिला पंचायत के सदस्य अपने अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त या संभागीय अतिरिक्त आयुक्त को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। दोस्तों, त्यागपत्र 30 दिन में स्वीकार होगा। इन 30 दिनों में यह जांचा जाएगा कि यह त्यागपत्र असली है या नहीं, अर्थात किसी के दबाव में आकर कोई सदस्य या अध्यक्ष अपना त्यागपत्र तो नहीं दे रहा है। इसके बाद 30 दिनों तक त्यागपत्र देने वाला पंच या अध्यक्ष को ऐसा लगे कि वे अभी और काम करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले वे वापस ले सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं जिला पंचायत की आय के स्रोतों की। दोस्तों, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, इनसे जिला पंचायत को आय प्राप्त होती है। जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतों से की गई वसूली भी आय का स्रोत है। अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा दिया गया अनुदान एवं प्रशासनिक ट्रस्टों से प्राप्त आय भी जिला पंचायत की आय के स्रोतों में शामिल है। अब हम चर्चा करते हैं चाय पर चर्चा की। क्या तुम्हें पता है जिला पंचायत को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार किसी भी प्रकार के कर लगाने का अधिकार नहीं है? दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं जिला पंचायत के कार्यों की। तो दोस्तों, ग्राम नियोजन, जन स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करना, जिले की सभी ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों के बीच समन्वय बनाए रखना, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को पंचायत समितियों में वितरित करना, प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना, कृषि विकास के लिए कार्य करना, आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए कार्य करना, बजट का पर्यवेक्षण करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या किसी भी तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता करता है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे व्यक्तियों तक शेयर करें जो किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका संबंध हमारे वीडियोस से हो। तो अधिक से अधिक ऐसे व्यक्तियों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे द्वारा एग्जाम से रिलेटेड अपडेट एवं आपके लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आप अपने डाउट पूछने के लिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न वीडियो में से आता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको आंसर देंगे, या फिर उस विषय पर अलग से वीडियो भी आपको बनाकर दिया जा सकता है। आप अपने विषय बता सकते हैं कि सर मुझे इस विषय पर वीडियो चाहिए है, तो आपके लिए मैं उन विषयों पर भी अलग से वीडियोस बना के दे सकता हूँ। दोस्तों, लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारा सपोर्ट करिए, इससे हमारे लिए आपके लिए और भी वीडियोस बनाने का मनोबल बढ़ता है और हम लगातार मेहनत करते रहते हैं। लगातार सीखते रहिए, अपने टारगेट अचीव करिए। धन्यवाद।